जय श्री महाकाल हरिहर। आज हम विषय में पढ़ने जा रहे हैं कंट्रोलिंग, नियंत्रण। देखिए, सबसे पहले नियंत्रण यदि नहीं होगा तो मानव यदि भ्रमित में है तो सिर्फ एक्सीडेंट होंगे। ठीक है, और कॉलैप्स होंगे। ठीक है, या स्ट्राइक करेंगे या हिट करेंगे। ठीक है, अब यही बात हम बोल रहे हैं कि यदि जागृत है तो एक्सीडेंट नहीं होगा। वहां पे तालमेल हो, बैलेंस, इंसिडेंट होगा मतलब। ठीक है ना, तालमेल कॉलेप्स नहीं होंगे, बैलेंस होगा, तालमेल होगा। और क्रॉस वेरी नियर बाय, क्रॉसिंग होगी नियर बाय, और एक दूसरे में समाहित, इंटीग्रेशन। देखो जी, कंट्रोलिंग कैसे हो सकती है? यदि आगे मानव को चलना है तो तीन चीज इसमें बहुत जरूरी है। स्वयं की मानव की गति, स्पीड, गाएगी मन की स्पीड पे गति हो, की गति पे नियंत्रण हो। ठीक है, मन बुद्धि शरीर और यहाँ पे हम बोल रहे हैं ये गति है, यहाँ पे स्थिरता है। ठीक है, स्थिर होने के लिए यहाँ पे हमको ब्रेक की जरूरत है। ठीक है, मतलब चेतना और आत्म रूप से ठीक है, और यदि हम अपना यहाँ परिवर्तन स्टेट है यहाँ पे अपने को हो जाता है करीबन मान के चलो
ठीक है, अपने गियर परिवर्तन के लिए ठीक है ना। एक तो ये है कि अपन को एक्सेलरेट करना है, स्पीड क्या के लिए होते हैं, एक्सेलरेट करने के लिए ठीक है ना। हमको हाई थ्रस्ट के लिए चाहिए ठीक है, पर अब उसमें भी हमको यदि गियर लगाना है, स्पीड को भी हमको आगे बढ़ाना है तो गियर की जरूरत पड़ेगी। गियर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू चेंज द स्पीड ठीक है। और आजकल ऑटो मोड आ गए ठीक है, विदाउट गियर भी है ठीक है। तो देखो जीवन में ऐसा होता है कई बार ऑटो मोड में आपका स्पीड बदल जाए, इंटेंसिटी बदल जाए ठीक है, पर कई बार ऐसा होगा कि आपका गियर में बहुत कंट्रोलिंग होती है, गियर में जल्दी टॉप स्पीड से लो स्पीड में भी आ सकती है बहुत तुरंत गियर स्पीड, पर वही चीज ऑटो में बहुत टाइम लगेगा ठीक है, टाइम लग सकता है। गियर का फायदा है कि तुरंत को चेंज कर सकते हैं आप पिकअप के लिए है ना, टू गेट द पिकअप गियर ठीक है। तो इसलिए और ब्रेक और क्लच का बहुत बड़ा काम है ठीक है, स्पीड को चेंज करने के लिए स्पीड को मेंटेन करने के लिए क्लच इज वेरी नीड ठीक है। यहाँ पे बात समझेंगे कि मानव को यदि अपना शरीर मन बुद्धि से चेतना आत्मा में आना है ठीक है, तो उसमें बगैर झटके के है ना, विदाउट एनी फ्रिक्शन, विदाउट एनी टर्बुलेंस, विदाउट एनी झटके के है ना, किसी प्रकार का कोई झटका ना लगे, शॉक ना लगे, इसलिए क्लच की महिमा है। तो अब देखिए बात को ध्यान से समझिएगा, हम बोल रहे हैं गति में शक्ति होती है, और स्थिरता में बल है ठीक है। तो ये कैसे होगा, और पूर्णतः रूप से परिवर्तन में नवीनता है ना, ट्रांसफॉर्मेशन में ऑलवेज फ्रेशनेस
सन में आ रही बात, तो नियंत्रण कब होगा मानव? नियंत्रण हमेशा होगा जब वो परिवर्तित होता रहेगा, ठीक है ना। उसका शरीर मन बुद्धि ट्रांसफॉर्म होते रहना चाहिए, ठीक है। तो आपके इसमें फ्रेशनेस बनी रहेगी। एक चीज पकड़ के बैठ गए, शरीर एक लेके बैठ गए, मन एक लेके बैठ गए, बुद्धि एक लेके बैठ गए कोई बात पे या कोई भी काम पे, तो इसमें फ्रेशनेस नहीं रहेगी, ओल्डनेस हो जाएगी, ठीक है। और कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से वो जमा करता रहे। तो नियंत्रण वहां पे होगा जहां मानव जाति संपूर्णता रूप में, जो नियम का तंत्र जानता हो, है ना। नियम का तंत्र मतलब सिस्टम ऑफ रूल्स, ठीक है बात। सिस्टम ऑफ रूल्स क्या है? यदि रूल्स पता है आपको उसको चलाने के, शरीर मन बुद्धि को सही तरीके से चलाएंगे आज तो प्रॉपर तरीके से एक्सीलेंट होगा, ये होगा, नहीं तो कंट्रोलिंग नहीं होगी। परिवर्तन हम बोल रहे हैं कि गियर चेंज करना अपने आप में पूर्ण रूप से बैलेंस्ड है, ठीक है। इसका मेंटेनेंस करना, ठीक है, इसका प्रोटेक्शन करना, ठीक है। तो ये सब पूरी चीजें आती जाती है इसमें, कि मानव जाति सही टाइम पे ब्रेक लगा ले तो चेतना आत्म को पा सकता है, ठीक है। ब्रेक लगाने पर ही आता है, ठीक है। और आदमी रुक जाए थोड़ा तो फिर चेतना आत्मा को निर्धारित हो सकता है। समझ में आ रही बात? क्लियर है। इसलिए हर मानव जाति को यदि और अपने शरीर मन बुद्धि से उठ के आना है तो गियर चेंज करना पड़ेगा और क्लच पे काम करना पड़ेगा, ठीक है ना। क्लच इज टू चेंजिंग द गियर, ओके। क्लच इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। कई इसमें क्लच भी नहीं होता, गियर भी नहीं होता, ठीक है ना। बट द थिंग इज दे कमिंग इन द ऑटो मोड, ठीक है ना। उसमें ऑटो मोड में गवर्नर होता है, ठीक है ना। तो व्हाट गवर्नर इज डूइंग इज कंट्रोलिंग ऑफ स्पीड, जो किसको गवर्न करता है, ठीक है। ये भी कहता है अपनी स्वयं की स्पीड को, ठीक है। अपने स्पीड को आदमी कंट्रोल कर ले, नियंत्रण कर ले, ये सबसे बड़ा नियम है, ठीक है। हर मानव जाति नियंत्रण हो जाए, ठीक है ना, अपने पारिवारिक सामाजिक और प्राकृतिक में भी नियम नियंत्रण रहे, ठीक है। किसको किसके साथ जीना, कैसे जीना, कब जीना है, ठीक है। तो अपने इंद्रियों पे नियंत्रण, किस पे नियंत्रण? इंद्रियों पे। ठीक है बात। तो यदि आप अपने आप में नियंत्रण रखना चाहते हैं तो संपूर्णता रूप में हमको जागृत अवस्था में आना ही होगा, ठीक है।
जहाँ पूर्णतः रूप से स्थिरता जब ब्रेक लगाना हो तब ब्रेक लगा सकते हैं, और जब क्लच आप तरीके से दबाओगे तो पूर्णतः रूप से गियर इजीली चेंज कर सकते हो और अपने आप को अलग स्टेट में ला सकते हो। ठीक है भाई, तो इसलिए अपने आप को ट्रांसफॉर्म करते रहें और फ्रेशनेस लाते रहें, ठीक है जी, और अपने आप को कंट्रोलिंग करें, नियंत्रण करें, मन का नियंत्रण होना जरूरी है, ठीक है, सत्य रूप से अपने आप ही नियंत्रण आता है, अपने आप गवर्नर लग जाता है, ऑटो मोड में आ जाता है, फिर मैनुअली नहीं करना पड़ता। एक बार समझ में आ जाए समझ आई ठीक है ना, किसमें पूर्णतः रूप से होश आया, समझ आया, होश आया तो नियंत्रण आया, ठीक है ना, बात समझ में आ गई बात, तो होश में आ जाना जरूरी है, होश में मानो नियंत्रण होता ही है, ठीक है ना, जहां नियंत्रण नहीं है वहां बेहोशी में कार्यक्रम है, ये नियत पक्की बात है, बेहोश में ही मानव अनियंत्रण, ठीक है ना, बात सन में आ गई, तो इसलिए अपने आप को होश में लाइए और नियंत्रण अपने आप आएगा, ठीक है, कॉन्शियस में आइए, अवेकन में आइए, ठीक है जी, जय श्री महाकाल, हरिहर।